कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह, आईपीएस एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीतिका गहलोत के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत कार्यवाही करते हुए हरियाणा एनसीबी यूनिट कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए दिनांक 30/7/2024 को एक नशा तस्कर को 3064 नशीले कैप्सूल बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उप पुलिस अधीक्षक श्री राजकुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नशे की बिक्री, खपत या तस्करी के बारे में कोई भी सूचना हो तो एनसीबी के टोल फ्री नंबर 9050891508 पर या कुरुक्षेत्र नारकोटिक्स इकाई के प्रभारी मोबाइल नंबर 9992615226 पर बेफिक्र होकर दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम, पता किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा। आमजन के सहयोग से ही नशा रूपी दैत्य को अंकुश में रखा जा सकता है। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो कुरुक्षेत्र यूनिट है उसने कल नारकोटिक्स की कमर्शियल क्वांटिटी को पकड़ने में भारी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा कि मालूम है कि हमारे हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं ओपी सिंह साहब, आईपीएस एडीजीपी, उनके मार्गदर्शन में और नीतिका गहलोत एसपी, एक मुहिम हमने छेड़ी हुई है, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत। पिछले एक महीने से हम इसमें 5 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, लेकिन इसमें कमर्शियल क्वांटिटी के 2 मामलों में हमें सफलता मिली, जिनमें से कल 30 तारीख को जब सुबह हमारी टीम झांसा रोड पे कुरुक्षेत्र में इस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए गश्त पे थी, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि महिपाल राणा, जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है, वो अपने घर से नारकोटिक्स की बड़ी खत लेके आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है अपने साथियों के साथ एएसआई संजय सिंह ने नाकाबंदी की और जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत हमारी जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, नोटिस भेजा गया वेस्टेड ऑफिसर को। और जब ये महिपाल सन ऑफ बाबूराम, जो कि कुबेर कॉलोनी में मकान नंबर 6 में रहता है, ये जब आया तो इसको उस नाकाबंदी में राउंड अप किया गया। बकायदा इसको नोटिस देने के बाद जब इसकी स्कूटर की सर्च की गई तो इससे 3 पॉलीथीन बरामद हुए, जिसमें जिनको अलग अलग टोटल 329 पत्ते नारकोटिक्स के, जिनमें टोटल 3064 नशीली गोलियां हैं और जिनमें बेसिक साल्ट है ट्रामाडोल। अभी हमने इसको पुलिस रिमांड पे लेना है कि इसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स कौन थे, कहां से ये इतनी भारी खेप जो है नारकोटिक की लेके आता था और कब से ये कार्य कर रहा था। अभी प्राइमरी पूछताछ में ये भी पता लगा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी इसके खिलाफ 2012 में कोई कार्रवाई हुई है, तो उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं। तो ये मेडिकल स्टोर पे सर बिकती है, तो वहाँ भी कुछ आपने छापे वगैरह की? तो झांसा रोड पे तो बहुत ज़्यादा गढ़ है चीज़ों में। मेडिकल स्टोर्स को वैसे तो जॉइंट कमेटी, जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है वो भी सर्च करते हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी इनकी रूटीन चेकअप करते हैं, लेकिन हमने ये जो नारकोटिक पकड़ा है ये आम पब्लिक प्लेस से जो है इसको राउंड अप किया है। और जो दूसरी चीज़ें हैं कि अगर काउंटर पे कहीं सेल हो रही है तो उसको भी हम संबंधित विभाग के साथ मिलके उसको भी हम क्रैक आउट करेंगे। सर, पब्लिक प्लेसों पे बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह देखे जाते हैं सर, वो भी इन्हीं से केमिस्टों से लिए जाते हैं? ये जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसको एक तो रखना बड़ा आसान है, दूसरा इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई स्मेल से या जैसे कोई शराब पिएगा या कोई दूसरा नशा करेगा तो उसका स्मेल से पता लग जाता है। ये तो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको कोई भी आदमी अपनी जेब में या अपने बैग में या कहीं भी छुपा के ले जा सकता है। ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है, इसी के खिलाफ ये मुहिम है कि नारकोटिक्स की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इसीलिए हमने अपना टोल फ्री नंबर जो है 9500891508 पब्लिश किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन सहयोग हमें मिले
और उसमें ये भी हम इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको हम एक गुप्त रखते हैं और जो वो सूचना देता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। तो इसके सर कि बाहर वगैरह भी सप्लाई करता है या खाली कुछ क्षेत्र में सप्लाई? इसकी सप्लाई तो नशेड़ियों के ऊपर थी, उसमें देखना अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उनमें से विक्टिम कितने हैं, कमर्शियल कंज्यूमर कितने हैं, और जहाँ से सप्लाई आ रही थी वो हमारा मेन फोकस रहेगा। तो केमिस्ट शॉप पे भी वॉच की जाएगी भी कौन आ रहा है कौन ले रहा है? देखिए वो तो पहले से ही चला हुआ है, प्रोसीजर है उसमें, इसमें सीएमओ भी इन्वॉल्व है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर भी इसमें हमारे साथ सहयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त जो है गांव में ग्राम प्रहरी भी हैं और इवन स्कूलों को भी हमने जो है इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ताकि अगर हमें ग्राहक का पता लग जाए तो फिर हम इस पीछे पड़ते हैं कि ये सप्लाई आ कहाँ से। तो आपको महीम जो लगातार आपकी जारी है, आप लोग जैसे रेडियो स्टेशन है बस स्टैंड वहाँ जाके भी आप महीम अपनी ये भी कर रहे हैं, हम अपने स्निफर डॉग्स की मदद भी ले रहे हैं रेलवे स्टेशन पे और बस अड्डे के ऊपर औचक निरीक्षण भी हम करते हैं, और इसके साथ ये देखिए कि हमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी में 5 मुकदमों में इस महीने सफलता मिली है और हमारा ये मुहिम जारी है। चीन में आया है, वो काफ़ी समय से ये काम कर रहा है और जहां पर उसकी दुकान थी वो बहुत छोटी सी जगह पे है। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम आपके साथ। थीम पार्क में काफ़ी नशा बढ़ा हुआ, थीम पार्क क्षेत्र में वहाँ नशेड़ी रहते हैं और यहाँ तक कि एक दो घटना तो ऐसी होगी कि मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं, किसी से पैसे मांगते हैं भिखारी के तौर पर, जब पैसे नहीं देते तो वो उनका मोबाइल छीन कर ही भाग गए हैं, अभी मामला भी दर्ज हुआ है। इसमें जिला पुलिस भी उतना ही बड़े लेवल पे हमारे साथ काम करती है, तो ये जो मुकदमा आप बता रहे हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे।